कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद में ये व्लॉग आ रहा है, लेकिन आज मेहुल की बर्थडे है तो मैंने सोचा चलो आज तो व्लॉग कर ही लेते हैं। लेकिन अभी सोच रही थी वो दूध वाला भी डालने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला। घर का रिनोवेशन थोड़ा बहुत चल रहा था तो उसमें काफ़ी बिजी थी। उसके बाद बच्चे थोड़े बीमार हो गए थे तो उनके हिसाब से काफ़ी बिजी हो गई थी। लेकिन आज बर्थडे है तो मैंने सोचा चलो आज तो कर ही लेते हैं, और ये वीडियो शायद एक दो दिन में आएगी। आज मैंने सोचा है चलो थोड़ा बच्चों को भी फन हो जाएगा। काफ़ी टाइम के बाद हम शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, कोविड के चलते हम कहीं जा नहीं रहे थे, लेकिन अभी सोचा है चलो एक बार जाके आते हैं। और जाते हैं लेकिन बस काम ख़त्म करके आ जाते हैं, बच्चों के लिए वहाँ टाइम नहीं निकालते हैं, क्योंकि बस डर होता है ना थोड़ा कि काफ़ी कुछ जितना कम निकले वही अच्छा है। तो बस जाते हैं वापस आ जाते हैं। इस बार हम सोच रहे हैं थोड़ा टाइम निकालेंगे उनके लिए। और घर पे थोड़ा किया है, सोचा है चलो देखते हैं वो सब कैसे होता है। लेकिन शायद मैं सोच रही हूँ आज सोचा है पहले तो भजिए बनाऊंगी। उनको मैं उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं भजिए, तो मैंने सोचे है पहले भजिया बनाऊंगी, उसके बाद हम शॉपिंग सेंटर जाएंगे और उसके बाद केक कटिंग करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए है तो बस आफ्टरनून में कर ही लेना पड़ता है सब कुछ, शाम को तो वो क्रैंकी हो जाते हैं। और उसके बाद सोचा तो है बाहर खाने के लिए, लेकिन देखते हैं शाम को ये बच्चे कैसे होते हैं, उसके बाद सोचेंगे, नहीं तो फिर टेक अवे घर पे होगा कुछ, सोचते हैं अभी तो। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ अब भजिया बनाऊंगी, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो जो होगा दिन में वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी बस। तो देखिए यहाँ पे मैंने पोटैटो के चिप्स ले ली है, मैंने पतली सी चिप्स की है, वो जो फ्राइज मिलती है वैसी नहीं, उससे भी पतली। और उसके बाद ऑनियन ले लिया है, ऑनियन के मैंने लंबी लंबी पीसेस बना लिए हैं, वो जो हम सलाद में बनाते हैं बस वैसे ही। और थोड़ी सी स्पिनिच ले ली है, स्पिनिच को मैंने चॉप कर लिया है, और रफली चॉप, नहीं ऐसे नहीं कि बहुत बारीक सा चॉप, बस थोड़ी मोटी ही रखनी है, वही अच्छी लगती है क्रंची बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने बेसन के साथ स्पिनिच और थोड़ी सी मेथी डाली हुई है, फ्रोज़न में मेरे पास मेथी पड़ी हुई थी वो भी मैंने डाल दी है। और मैं दो तरह के भजिए बना रही हूँ, एक है वो गोटे जैसे बनते हैं वो जो सॉफ्ट भजिए, और ये पोटैटो और ओनियन के साथ जो बना रही हूँ वो है क्रिस्पी वाले भजिए। तो बच्चों के लिए वो सॉफ्ट वाले ही अच्छे होते हैं और हमें ये क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। ये मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है दोनों में, और उसके बाद लहसुन और चिली की पेस्ट डाल दी है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद थोड़ी सी टर्मरिक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैंने फ्रूट सॉल्ट डाल दिया है। फ्रूट सॉल्ट मैं थोड़ा ज़्यादा रख डाला है, लेकिन फ्रूट सॉल्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैंने एक एक चम्मच उसमें ऑयल डाल दिया है बस। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के, जो सॉफ्ट वाले बनाने हैं इसमें पानी डाल के मैं उसकी पेस्ट बना लूँगी। वो काफ़ी मैं पतला सा रखती हूँ, वो इतना थिक नहीं होता है तो उससे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं हम जब। और इसमें जो ओनियन और पोटैटो वाले हैं उसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, और वो उसका मॉइस्चर वैसे भी छोड़ता है, स्पिनिच भी है तो उसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अब वैसे कि वैसे ही हो जाएगा। मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया है तो वो काफ़ी अच्छा बाइंडिंग बन रहा है अभी, तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है अभी। आपको ज़रूरत पड़े भी तो आप एक आध चम्मच डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है फ्राई करना, देखो कैसे अच्छे से निकल के आ रहे हैं। और इन बीच मैंने
थोड़े से चिली फ्राई कर लिए हैं हम दोनों के लिए, ये है बच्चे तो खाते नहीं है, तो बस 4-5 चिली फ्राई की है और थोड़ा सा नमक डाल के उनको अच्छे से, और वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी बच्चों के साथ, तो चटनी वटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम बच्चों को लेकर शॉपिंग सेंटर चले गए थे और वहाँ पे बच्चों को बस यही राइड पे बिठाया, थोड़ी सी घूमे फिरे और वहाँ पर जो कॉइन वाली कार होती है उनका उनको दोनों को बड़ा शौक है, तो जितनी भी थी मोस्ट ऑफ सभी में वो बैठे हैं। और बाहर एक दो राइड थी तो उस पे बाइक थी, वो तो बाइक पे बिठाया, बस वही यहाँ पीछे हम कोस्टा चले गए थे, कोस्टा में बस कॉफ़ी पी सैंडविच खाई, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि छोटी बेटी क्रैंकी हो रही थी, उसको नींद आ रही थी तो इतना रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, वो परेशान हो रही थी। उसके बाद हम बॉडी केयर और विल्किंसन भी चले गए थे, लेकिन बस वही था बच्चों के साथ सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, ये बस बच्चों की थोड़ी बहुत लीप ले ली थी तो मैंने कहा चलो वही डाल देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी वो परेशान हो गई थी, उसको सोना था और प्राम में उसको सोना नहीं था, नींद नहीं आ रही थी, तो चल रहा था जैसे तैसे उसको बाद में सुला दिया, क्योंकि एक को वो बड़ी है तो उसको फिर घूमना था, वो सब कुछ करना था, राइड पे बैठना था, और छोटी को नींद आ रही थी तो दोनों को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो बस वैसे ही मैनेज करते करते मैंने कहा चलो बस थोड़ा बहुत घुमा तो लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से हम निकल ही नहीं रहे थे, बच्चे भी कहीं निकलते नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं, तो बस एक चांस मिला तो उनको सब कुछ कर लेना था तो थोड़ा एंजॉय किया, हमें भी अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद उन ऐसे बस बाहर निकल के एंजॉय कर रहे थे, तो मज़ा आया, हमने काफ़ी एंजॉय किया, उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया। और बस एक ही व्लॉग करूँगी तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा है पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे डाल दूँगी, तो केक कटिंग और हमारे इवनिंग का जो हमने किया है वो मैं इवनिंग का बस खाना और केक कटिंग उसका मैं अलग से और एक पार्ट बना लूँगी, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में ये दो व्लॉग आएंगे। बस यही था अब तक का, बस आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।